उत्तर प्रदेश के बरेली में मस्जिद में रंग डालने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगाया जाम। पुलिस के समझाने के बाद नहीं मानने पर पुलिस ने किया लाठी चार्ज। मस्जिद में रंग डालने के मामले में पुलिस ने दो भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज की FIR। बहेड़ी थाना क्षेत्र के कस्बे का है मामला। बहेड़ी में खुराफातियों ने पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद में रंग डाला। स्थानीय लोगों में मामले को लेकर आक्रोश। होली के मौके पर निकाला जा रहा था जुलूस, जिसमें स्थानीय पुलिस भी थी शामिल। जैसे ही जुलूस मस्जिद के सामने पहुंचा, कुछ खुराफातियों ने रंग से भरा गुब्बारा मस्जिद के अंदर फेंक दिया। मस्जिद में रंग डालने की सूचना मिलने पर लोगों का जमावड़ा लग गया। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। यहां घटना यह हुई थी, मैं मस्जिद में सफाई कर रहा था, इसी वक्त मुझे शोर सुनाई दिया DJ का। मैं गेट पर आकर के खड़ा हो गया, मैंने देखा कि 4 दरोगा थे और 8-10 पुलिस वाले थे, पुलिस जीप की गाड़ी के आगे आके चल रहे थे, जिसपे के DJ लगा हुआ था। उस गाड़ी पर 25-30 लोग फुड़दंग मचा रहे थे रंग के साथ। बाकी पीछे मैंने देखा राहुल गुप्ता भी थे, सुरेश गंगवार भी थे, इनकी मौजूदगी में सैकड़ों लोग थे, जुलूस की शक्ल में चल रहे थे। जैसे यहाँ पर आए उन्होंने मुझ पर रंग फेंका और यहाँ बढ़ करके मस्जिद के अंदर भी रंग फेंका, जिससे कि आप लोगों ने देखा है सब में रंग पड़ा हुआ है। क्षेत्र बहेड़ी में एक धार्मिक स्थल पर गुलाल पड़ जाने के संदर्भ में एक समुदाय के लोगों के द्वारा आपत्ति की गई थी। इस संदर्भ पर थाना बहेड़ी में कुछ लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसके बाद उनका आक्रोश शांत हो गया था और वो लोग चले गए थे। उन्हीं में से एक गुट के द्वारा जो है पुराना नैनीताल हाईवे जाम करने का प्रयास किया गया और जब पुलिस के द्वारा उसको खुलवाने का प्रयास किया गया तो पुलिस के साथ उनके द्वारा अभद्रता की गई, जिस पर पुलिस के द्वारा उनको हल्का सा बल प्रयोग करके तितर बितर किया गया और इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा भी उनके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।